हाय, कैसे देखने में यम्मी लग रहा है ना। और किसको नहीं पता ये पसंद है फुलकी वाला दही बड़े। सोच रहे फुलकी वाला दही बड़े इजी है, झटपट बन जाते हैं ना। दाल भिगाओ ना कुछ ना कुछ, बस बस एक कटोरी बेसन लो, फटाफट बनाओ, फुलकियाँ तैयार हो जाती हैं। अब ऐसे भी मोस्टली सब लोग तो फ्रीज में रखे ही रहते बना के, अब रमज़ान में तो रखा ही रहते फ्रीज में मीठी चटनी तीखी चटनी, तो बस सब रेडी है, फटाफट चलो बना लेते। आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट सॉफ्ट और कितना यम्मी दिख रहा है, तो बस सिंपल से आ जाओ बना लेते फटाफट ये झटपट वाली फुल्की वाली चाट। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने पहले बेसन ले रही हूँ एक कटोरी, कितना है ये मैं एक छोटी एक कलची उससे दो कलची ले रही हूँ, मतलब छोटी कटोरी से एक कटोरी बेसन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही मैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, साथ में थोड़ी सी चाट मसाले और थोड़ी सी अदरक डाल दे रही फ्लेवर के लिए, साथ में धनिया डाल देंगे बस। और फ्लेवर नमक तो पड़ना ही है एज योर टेस्ट के हिसाब से, बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी एक घोल तैयार करनी है, जैसे हम नॉर्मल पकौड़े की घोल नहीं तैयार करते हैं, सिंपल वैसे, लेकिन पानी एक साथ मत डालिएगा नहीं तो लिक्विड ही हो जाएगा। थोड़ा 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 करके पानी डालिएगा, देख जैसे मैं डाल रही हूँ देखो, और इसकी घोल की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। इसी ना एटलीस्ट 5 मिनट ऐसे फेंटोगे ना तो बहुत अच्छे से फूलेगा, और इसे मैं थोड़ा 15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ साइड में ताकि अच्छे से फूल जाए। तब से मैं एक कटोरी में पानी डाल दे रही हूँ और इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, इसमें भी 1 टीस्पून हाफ टी स्पून जितना, एंड इसे मिक्स करके साइड में रख दे रही हूँ। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, कढ़ाई में हम तेल डाल के रखते हैं, और अराउंड 15 मिनट्स हो गए मेरे घोल को, तो मैंने सोचा फ्राई भी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, तेल गर्म होते इसमें मैंने हाथ में पानी लगा के इसे डालना चालू कर दिया। आप देख रहे हैं कैसे फुलके भी फूल रहे दिख रहे, अगर ध्यान से दिख रहे ना आपको, तो बस इसी तरह मैंने सारी फुलकियाँ डाल दी, और ये यकीन मैंने मस्त फूल रहे दिख रहे आपको, बस इसे अच्छे से पेटना रहते हैं और 10-15 मिनट एटलीस्ट साइड में रख दो ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो बस इसी तरह सारी फुलकियाँ हमारे देख रहे हैं फुलके रेडी हो गए, इसमें निकाल ली और कलर भी इसका अच्छे से हो गए लाल लाल, फिर बस इसे हम निकाल के रख लेते हैं। और अगर आपको मैं फुलकी दिखाऊँ देख सकते होंगे कैसे फूला हुआ, ये देखिए दिख रहे हैं ना आपको फुलकी कैसे फूला है। तो बस इसे हम जो हमने नमक पानी का घोल तैयार किया था उसमें हम डाल के 2 मिनट के लिए डीप करके रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट और हो जाए। तो बस इसे जब बनाना होगा तब इसमें नमक पानी में डीप करके 2 मिनट के लिए रखो, एंड देन इसके जो पानी है स्विच कर दे, देखिए प्रॉपर अच्छे से डीप हो गया और फूल भी गया इसका। अगर मैं पानी दिखाऊँ ये देखिए पानी में स्विच कर दे रही हूँ, ऐसे पानी स्विच कर करके इन सबको ऐसे प्लेटिंग कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो बस इसी तरह मैंने सारे जितने भी फुलकियाँ थे एक एक करके ऐसे स्विच कर पानी इसको मैंने प्लेटिंग कर दी है। तो ये देखिए प्लेटिंग हो गया तैयार। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। दही ले रही हूँ, दही में मैंने थोड़ा थोड़ा शक्कर डाली फ्लेवर के लिए, मीठा के लिए। तो बस इसमें दही में चीनी डाल के ताज़ा दही लीजिएगा, बासी में ये तो खट्टा होगा, अपने फ्रेश दही लिए। तो ये बस चीनी अच्छे से इसमें मैरिनेट होकर घुल गया मतलब शक्कर। तो बस अब इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे दही अच्छे से पूरे फुलकियों पे टेबल, ये देखिए इसी तरह सारी फुलकियाँ स्प्रेड कर देंगे। और यकीन मानिए बड़े मज़े के, ये मैंने पहले ही बताया जैसे मैं फ्रिज में रखी हूँ मीठी चटनी फ्रोज करके। अगर आपको रेसिपी शेयर करना जरूर कमेंट्स करना, मैं आपको शेयर कर दूँगी रेसिपी भी। तो इसी तरह मैं चटनी भी ग्रीन वाली भी बना के फ्रोजन करके रख देती हूँ, मोस्टली एटलीस्ट 1 वीक तक रखती हूँ, ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, तो मैंने ऐसे बना के रख लें। एंड देन इसके ऊपर मैं थोड़े से चटपटे चाट मसाला डाल रही हूँ, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दी पिंक सॉल्ट वाला वो डाल दे रही हूँ, ब्लैक सॉल्ट सॉरी, एंड देन रेड चिली पाउडर भी डाल दी जो कलर के लिए इतना स्पाइसी नहीं होता है ये वाला। और इसके ऊपर से मैं गार्निश कर दे रही हूँ हरी धनिया। तो बस देख सकते हैं कितना मज़े का, कितना टेम्पटिंग और कितना यम्मी दिख रहा है, और उतने ही सॉफ्ट उतने ही टेस्टी बनाता है। अगर मैं आपको फुलकी दिखाऊं, मैं देखिए कितने ईजिली मार फुलकी कट हो रहा है दिख रहा है आपको, मैं उठाऊंगी ना उठाने पे भी ये टूट रहा है, इतना सॉफ्ट बना दिख रहा है ये देखिए। लेकिन मैंने खाने में बड़े मज़े के थे, बड़े लजीज, बड़े सारे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो तब तक के लिए खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।